नेक्स्ट आता है वीरभद्र सिंह पहली बार मुख्यमंत्री कब बने थे, तो वीरभद्र सिंह जी जो हैं पहली बार जो मुख्यमंत्री बने हैं वो पानी वाले मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश का कौन सा मुख्यमंत्री जाना जाता है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास में और आज की क्लास है महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हिमाचल प्रदेश के प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है बहुत बार रिपीट हो रहे हैं और हर बार यहीं से क्वेश्चंस जो हैं वो बन रहे हैं। और मैं आपके लिए जो है आज की सीरीज में लेकर आया हूं 501 से लेकर 550 तक के क्वेश्चंस और ये हमारी सीरीज चल रही है। तो किसी बच्चे ने अगर ये सीरीज नहीं देखी है तो बच्चे आपने प्लेलिस्ट में से देख लीजिए और नहीं तो आप दिए गए नंबर्स पे भी हमारे साथ जो है संपर्क कर सकते हैं। और ये जो वीडियो बन रही है यानी कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कि स्पॉन्सर्ड हैं HPPSC, HPTET, HP पटवारी, एलाइड सर्विसेज और इसी प्रकार से हिमाचल पुलिस के एग्जाम्स, जो भी हिमाचल में जो है एग्जाम्स होते हैं स्टेट के द्वारा उनके लिए, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा हिमाचल के ऊपर ही जो है वो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस मैं डेली टू डेली लेकर आ रहा हूं वन लाइनर की फॉर्म में। तो डेली नोट करें आप और चैनल को जो है आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और क्वेश्चंस जो हैं जैसे मैंने आपको 500 से लेकर 550 तक दिए हैं वैसे इसके आगे के क्वेश्चंस भी आपको मिलते रहेंगे और पिछले भी आपको जो है प्लेलिस्ट में मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से, ज्यादा बात ना करते हुए। सिरमौर में बिशु के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है। बिशु जो है एक त्योहार है, बसोवा बोलते हैं कांगड़ा में, तो बिशु के पर जो है वो कौन सा किया जाता है। तो डोडा नृत्य जो है वो सिरमौर में बिशु के अवसर पर जो है वो किया जाता है। कौन सा है? डोडा त्योहार नृत्य, सॉरी। कुल्लू की प्रसिद्ध नाटी कौन सी है? तो वो है रुंझका नाट, ठीक है। कौन सी है? रुंझका ढीली नाटी, रुंझका ढीली नाटी का नाम है। तो ये कुल्लू की सबसे प्रसिद्ध नाटी है। अगला सवाल है, खडयात्र नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? और खडयात्र नृत्य जो है वो कुल्लू जिला से जुड़ा हुआ है। तो इसका सही आंसर जो है वो किससे जुड़ा है? कुल्लू से। अगला है, कुल्लू के दशहरे के उपलक्ष पर किस नृत्य को शेर तथा वाद्य के कांट के मुखौटों को पहनकर किया जाता है? तो वो होता है स्वांग नृत्य, उनके मुखौटे पहने जाते हैं फिर उससे डांस किया जाता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं स्वांग नृत्य। कौन सा है? स्वांग नृत्य बच्चों। अगला है, बुरई नृत्य कहाँ का पारंपरिक नृत्य है? तो बुरई नृत्य जो है वो है चंबा जिले से जुड़ा हुआ। कहां से है? चंबा जिले का मुख्य नृत्य है बुरई नृत्य। बांठड़ा कहाँ का लोक नृत्य नृत्य है? बांठड़ा जो है वो कहाँ का लोक नृत्य है? वो है मंडी जिला का। कौन सा आंसर रहेगा? मंडी जिला का। तो ये लोक नृत्य से जुड़े हुए क्वेश्चंस डेफिनेट पूछे जाते हैं तो इसलिए आप इसको परफेक्ट करें। अगला है, झांकी और हडंतर कहाँ की प्रसिद्ध लोक नृत्य नाट्य है? तो ये भी चंबा जिले से जुड़ा हुआ है। तो इसका सही आंसर जो रहेगा बच्चों वो चंबा जिला ही रहेगा। अगला सवाल है, भादो मास की नवमी पर बिलासपुर में सपुर जगह का नाम है, मैं गुग्गा गांव गांव में फेरी लगाते हैं, उस समय कौन सा लोक नाट्य किया जाता है? तो जब वो छतरी लेके हर जगह गुग्गा मतलब उसकी जो है नाट्य करते हैं और वो घूमते हैं तो उसको हम बोलेंगे स्वांग। क्या बोलेंगे? स्वांग, मतलब स्वांग नाट्य जो है उसको यानी कि उसका कॉपी करते हैं या उसकी जो है नकल करते हैं तो स्वांग करते हैं जी। अगला है, नुआड़ा नाट्य जो है ये कहाँ का लोकप्रिय मतलब नाट्य है? नुआड़ा नाट्य कहाँ का लोकप्रिय नाट्य है? तो ये भी चंबा घाटी का है। और वैसे कि ये नुआड़ा जो है वैसे शिव भगवान से जुड़ा हुआ है और गद्दी प्रजाति से जो है वो ज्यादा जनजाति से जो है वो ये जुड़ा हुआ है, ठीक है जी। तो नुआड़ा नेक्स्ट आ जाता है, चंबा घाटी का है।
अगला आ गया भोटी, गहरी, मन्यल और चांगसा, बोलियां कहां पर की प्रसिद्ध हैं? तो ये हैं लाहौल और स्पीति की। कहां की हैं? लाहौल और स्पीति में जो हैं इस प्रकार की जो हैं वो बोलियां बोली जाती हैं। पहाड़ी भाषा की लिपि क्या है? तो पहाड़ी भाषा की जो लिपि है वो है टांकरी, और हिंदी में अगर हम बात करें तो देवनागरी, और पंजाबी की जो है वो क्या है? गुरमुखी। तो हम टांकरी लिपि जो है वो हिमाचल की जो है या पहाड़ी भाषा की लिपि है। अगला है शारदा लिपि का सुधरा हुआ रूप कौन सा है? तो वो भी शारदा लिपि भी बोलते थे पहले, अब उसी को हमने टांकरी लिपि नाम दिया हुआ है। शारदा लिपि भी अगर आपको ऑप्शन में आए तो आप उसको भी टिक लगा सकते हो, टांकरी मत ढूंढते रहना, तब आपने क्या करना है, तब शारदा लिपि लगा देना है। हिमाचल प्रदेश लोक संस्कृति संस्थान कहां पर है? तो ये है मंडी जिला में। कहां पर है जी? मंडी जिला में लोक सांस्कृतिक संस्थान जो है वो स्थित है मंडी में। अगला है बिलासपुर के किस दरबारी कवि ने शशि वंश विनोद नामक ग्रंथ लिखा था? तो ये थे कवि थे गणेश सिंह। क्या नाम था जी? कवि का नाम गणेश सिंह। अगला सवाल है कला सम्मान पुरस्कार हिमाचल प्रदेश कला संस्कृति एवं भाषा अकादमी द्वारा कब से कब तक दिया जा रहा है? तो ये शुरू हुआ है 2001 से, ठीक है जी। और आवंटन यानी कि उन्होंने डिसीजन लिया था कि 2001 में कि हम बांटेंगे, पर बांटना शुरू किया है 2003 में, ठीक है जी। इसका आंसर 2003 भी ऑप्शन हो सकती है और 2001 भी हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वर्ष 1954 में गठित राज्य पूर्ण गठन कमीशन के सदस्य थे तो वो कौन थे? तो उसके जो अलग अलग कमेटी बनाई थी तो फैजल अली थे जो अध्यक्ष थे, ठीक है जी, और एच एन कुंजरू थे, के एम पनिक्कर थे वो सदस्य थे और ये अध्यक्ष थे। तो फजल अली जो थे वो इसके मेंबर बनाए गए थे जब हमारा स्टेट जो है हिमाचल प्रदेश 1945 में इसको पूर्ण गठित करने लगे थे, उस वक्त की बात कर रहे हैं कमीशन की। हिमाचल के जन्म के समय यानी कि जब हिमाचल पैदा हुआ था यानी कि जब हिमाचल का स्टेट के रूप में बना रहे थे तब उसका क्षेत्रफल कितना था? तो उसका क्षेत्रफल था 27,108 वर्ग किलोमीटर। कितना था? 27,108। अगर आपको इस वक्त पूछा जाए तो कितना है वो आपने कमेंट करना है, ठीक है। अगला है किस वर्ष हिमाचल राज्य अधिनियम संसद में पारित हुआ था? यानी कि अधिनियम यानी कि हिमाचल को जो है स्टेट बनाने के लिए जो है अधिनियम कब जो है वो कि स्टेट बना दिया जाए, तो ये 1971 में 1971 में जो है वो किया गया था, और तारीख बताई जाए तो है 18 दिसंबर 1971। ये हिमाचल के इतिहास में जो है वो हिमाचल को राज्य बनाने के अधिनियम जो है वो पारित हुआ है। अगला है 25 जनवरी 1971 को राज्य का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो ये अनाउंसमेंट भी इनकी जो है श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा जो है वो की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। हिमाचल प्रदेश में नया पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये पंचायती राज जो अधिनियम है ये 1994 से जो है 1994 से जो है वो शुरू हुआ है, और तारीख की बात करें तो 23 अप्रैल 1994 से जो है पंचायती राज अधिनियम पारित हुआ है या लागू हुआ है। हिमाचल प्रदेश में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई थी? तो ये पंचायती राज व्यवस्था जो है सन 1992 में लागू हुई थी। ये दो क्वेश्चन हैं, दोनों आपस में उल्टे हैं तो थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा आपको बच्चों। अगला सवाल हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो प्रथम अध्यक्ष थे जयवंत राम। कौन थे? जयवंत राम। अगला सवाल किस वर्ष हिमाचल प्रदेश में त्रिसत्रीय पंचायती राज
अधिनियम लागू हुआ। तो त्रिसत्रीय जो पंचायती राज अधिनियम है वो सन 1970 में जो है वो लागू हुआ था, वर्ष 1970 में लागू हुआ था बच्चों। अगला सवाल है, हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष 15 अगस्त 1957 में किसे चुना गया था? तो करम सिंह ठाकुर थे जो कि मंडी कंस्टिट्यूएंसी से थे, तो इनको जो है वो चुना गया था, तो ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट आता है, पंजाब पूर्ण गठन आयोग कब स्थापित किया गया? तो पंजाब का भी पूर्ण गठन तभी हुआ जब हिमाचल का हुआ, तो 1966 का 1966 में जो है वहां के कुछ भाग जो है वो हिमाचल में डाल दिए गए थे और कुछ अलग करके जो है उनको पंजाब में डाल दिया गया, तो 1966। लोक प्रशासन संस्थान कब बनाया गया? यानी कि लोक प्रशासन समझ रहे होने, आपका ये पेपर भी हो रहा है यानी कि यूपीएससी एचपीपीएससी का, ठीक है जी। तो ये हमारा बन रहा है 1973 में बना था, कब बना था? 1973 में। अगला सवाल है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? यानी कि हिमाचल में जो है राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो वो था आपका 1977, ठीक है, 1977। और तारीख की बात की जाए तो वो है 30 अप्रैल 1977 को जो है वो विधानसभा में राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू हुआ था। अगला सवाल है, 1977 में हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के लोग के दौरान गवर्नर का परामदर्शता किस आईएएस अधिकारी को जो है वो नियुक्त किया गया था? तो कौन से आईएएस थे जो इसको चला रहे थे? वो थे जे कामत। क्या नाम था? जे कामत। पानी वाले मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश का कौन सा मुख्यमंत्री जाना जाता है? तो पानी वाले जो हैं मुख्यमंत्री हैं वो श्री शांता कुमार जी हैं जो कि जाने जाते हैं। नेक्स्ट आता है, वीरभद्र सिंह पहली बार मुख्यमंत्री कब बने थे? तो वीरभद्र सिंह जी जो हैं पहली बार जो मुख्यमंत्री बने हैं वो है 1983, 1983 में ये पहली बार जो है मुख्यमंत्री बने हैं। अगला है, वर्ष 1990 में प्रदेश में श्री शांता कुमार के नेतृत्व में किस दल की सरकार बनी थी? यानी कि जब शांता कुमार जी जो हैं वो प्रदेश के यानी कि मुख्यमंत्री बने सन 1990 में, तो वो कौन सी सरकार यानी कि किस पार्टी की सरकार जो है उन्होंने बनाई थी? तो वो थी भाजपा की सरकार यानी कि बीजेपी की सरकार जो है उन्होंने बनाई थी। अगला है, सन 1967 में केंद्रीय सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र किस राज्य के लिए विस्तृत कर दिया था? यानी कि कौन से राज्य के लिए जो उसको बढ़ाया गया था? तो वो था आंसर हिमाचल प्रदेश, क्योंकि मैं हिमाचल का ही लिखवा रहा हूं तो हिमाचल का ही आंसर दूंगा। नेक्स्ट आ जाएगा, किस वर्ष हिमाचल प्रदेश को अपना 3 सदस्यीय न्यायालय प्राप्त हुआ? यानी कि जब 3 सदस्य यानी कि आपको पता लग रहा है इसके बाद ये बनाया गया उच्च न्यायालय 67, तो 71 में बच्चों जो है 3 सदस्य यानी कि 3 मेंबर जो बैठते हैं वो डिसीजन लेंगे न्यायालय में, तो उसके लिए बनाया गया था 1971 में। अगला है, हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष जो है वो पास हुआ? तो वो हुआ था सन 1983। अगला है, प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो वो थे टाटाचारी, मैंने तो ऐसे ही याद रखा टाटाचारी, 1983 में थे। वैसे पूरा नाम था टीवीआर, श्री टीवीआर टाटाचारी, 1983 टीवीआर टाटाचारी। अगला है, हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वो थे हमीदुल्ला बेग। कौन थे? हमीदुल्ला बेग या न्यायाधीश मिर्जा हमीदुल्ला बेग, जितना लंबा याद करेंगे उतना नहीं है, आपको शॉर्ट में याद रखना है, तो हमीदुल्ला बेग मैंने याद से रखा है। अगला है, 15 अप्रैल 1948 को प्रदेश के 4 जिले कौन से थे? यानी कि पहले यानी कि सब जब 1948 थे
तो उस वक्त प्रदेश में कौन कौन से जिले थे? तो पहला जिला था आपका चंबा, फिर मंडी, फिर उसके बाद आपका महासू और साथ साथ में सिरमौर। तो ये चार जिले जो हैं अप्रैल 1948 में जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के मतलब मेन जिले जो थे वो चार ये थे। अगला है प्रदेश में कितने मंडलीय आयुक्त कार्यालय हैं? तो वो हैं तीन कार्यालय हैं, ठीक है, एक धर्मशाला, एक मंडी और एक शिमला। अगला है अप टू डेट तथा क्रेंग डिफायंस क्या है? तो ये दोनों जो हैं क्या है, आलू की किस्में हैं, ठीक है, नाम बड़ा तगड़ा है, अप टू डेट एंड क्रेंग डिफायंस, तो आलू की किस्में हैं। अगला है चुकंदर का उत्पादन कहां पर किया जाता है? तो हिमाचल में चुकंदर का उत्पादन जो है वो किन्नौर में किया जाता है। अगला सवाल, हिमाचल प्रदेश में कृषि वानिकी उत्पादन विपणन एक्ट कब लागू हुआ? ये रहा, तो ये हुआ था वर्ष 2005 में। कब हुआ था? 2005। अगला सवाल, अमेरिका के स्वादिष्ट व उच्च कोटि के सेबों का बीज हिमाचल में किसने लगाया था या कौन मतलब किसने लगाया था? मैंने स्टॉक्स याद रखा है बट पूरा नाम है उनका सैमुअल इवांस स्टॉक्स, सैमुअल इवांस स्टॉक उनका पूरा नाम है। अगला सवाल है हिमाचल प्रदेश में घोड़ा प्रजनन केंद्र, देखो घोड़ा प्रजनन केंद्र जो है वो किस जिले में स्थित है? तो वो लेरी जगह है लाहौल स्पीति में, तो लरी जो है वो लाहौल स्पीति में है। नेक्स्ट आता है डायकोरिया बनफसा मुश्का वाला बेलाडोना कुरु और पतिश ये क्या है? तो ये सभी जो हैं वो हैं जड़ी बूटियों के नाम जो कि हिमाचल प्रदेश में भांति भांति की, क्योंकि देवभूमि हिमाचल है और इसमें जो है अलग अलग प्रकार के जो हैं हमें जड़ी बूटियां देखने को मिलती हैं, तो इस वजह से आपको ये याद रखना चाहिए। ऊना शोक नाम से किस नदी को जाना जाता है? यानी कि ऊना में जो है सबसे तबाही यानी कि अपना डायवर्जन कर देती है जो नदी, उसका नाम है सवा नदी। कौन सी नदी है? सवा नदी जो है वो ऊना शोक के नाम से भी प्रसिद्ध है। अगला सवाल है सामाजिक वानिकी योजना किस वर्ष प्रदेश में लागू हुई थी? तो ये हुई थी सन 1978, तो अप्रैल 1978 याद रखिएगा। अगला है सामाजिक वानिकी अथवा कृषि वानिकी का विलय कब हुआ? तो ये हुआ था 1979-80 के बीच में। प्रदेश की वन नीति के पालन हेतु 20 वर्षीय वन योजना कब लागू हुई? तो सन 1981-82 में हुई थी, 1981 और 82 में हुई थी। अगला सवाल धौलाधार कृषि वानिकी परियोजना किस देश की सहायता से चलाई जा रही है? तो ये चलाई जा रही है सन 1980 में जर्मनी के सहयोग से, ठीक है जी। अगला सवाल है और लास्ट सवाल है प्रदेश की पहली पन विद्युत परियोजना कौन सी है? तो वो है चंबा के राजा के द्वारा यानी कि भूरी सिंह के द्वारा जो है वो चलाई गई है, और ये कब चलाई गई? सन 1908 में। तो ये है सवाल जो कि 50 सवाल मैं इस वीडियो में आपको करवाए हैं। आप इन्हें बच्चों नोट करें और इसको लर्न करें, दिमाग में रखें, इसी प्रकार से आपको क्वेश्चंस आने हैं। अगर जब मैं क्वेश्चन बोलता हूं तो उससे पहले आप प्रैक्टिस किया करें कि इसका क्या आंसर आ सकता है, उसी वीडियो को अगेन एंड अगेन देखेंगे तो आपको लाभ होगा, और ये क्वेश्चंस जो हैं मेरे बोलने से पहले आप आंसर देकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी वीडियो के अंत में मैं यही कहूंगा जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे बच्चों उतना ज्यादा बेहतर ये आपका जो है वो ज्ञान बढ़ेगा और ये क्वेश्चंस लर्न करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका हमारे साथ इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अपना खास ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।